नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। आज हमारा आज का टॉपिक है लिक्विड्स। ऐसी कोई चीज जो फ्रीली मूव करती है, ऐसी कोई तरल चीज जो पानी और तेल की तरह बहती है, ऐसी चीजों को लिक्विड कहा जाता है। और इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं ग्रेविटी की वजह से। लिक्विड क्यों फ्लो करते हैं? लिक्विड बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्सेस फ्लो करते हैं। कोहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनमें पार्टिकल्स अपने जैसे सेम पार्टिकल के साथ अट्रैक्ट होते हैं। लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम कोहेसिव फोर्सेस को ही डिस्कस करते हैं। कोहेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जो लिक्विड शो करते हैं। ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि सेम एक जैसे पार्टिकल्स के बीच में होती हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड्स। किसी भी कंटेनर में डाल दोगे वो एक साथ ही जाएंगे। वहीं एक ग्लास से दूसरे ग्लास में जब डालते हो तो वो सारे पार्टिकल एक साथ जाते हैं। एक प्लेट में जब हमको डाल दोगे तो सारे एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी आपस में जो अपनी बॉन्डिंग है, आपस में जो अपनी अट्रैक्टिव फोर्सेज है, वो काफी स्ट्रांग है। ऐसी फोर्सेज को कोहेसिव फोर्सेज बोला जाता है। लिक्विड्स कोहेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। दूसरा है एडहेशन। अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्सेस। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है एडहेशन। इसकी एग्जांपल होगी वो सारे पत्तों, जब बारिश के बाद आप देखते हो पत्तों के साथ ना पानी की बूंदें टपक रही होती हैं, तो लटक रही होती हैं पत्तों के साथ। खासकर जो पाइन का नीडल होता है, पाइन के पत्ते को पाइन नीडल बोला जाता है, उसके साथ पानी की बूंदें ना लटक रही होती हैं। इसका मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है उनकी और जो पाइन के मॉलिक्यूल है उनकी आपस में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। और लिक्विड्स वेपराइजेशन और कंडेंसेशन भी शो करते हैं। वेपराइजेशन बोलते हैं पानी का गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाने को, और कंडेंसेशन बोलते हैं पानी का वापिस आइस बन जाने को, बर्फ बन जाने को कंडेंसेशन बोला जाता है, या वेपर का वापस पानी बन जाने को भी कंडेंसेशन बोलते हैं। बॉइलिंग और एवोपरेशन में क्या डिफरेंस है? उबलने में और एवोपरेशन में क्या डिफरेंस? मेन डिफरेंस तो ये है, एवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस है और ये सरफेस का फिनोमेना है। जब क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, और कोहेसिव फोर्सेस यानी जो वाटर के दूसरे, वाटर के जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो दूसरे उनके नीचे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ जो उनकी कोहेसिव फोर्सेस होती हैं उनको एस्केप कर जाते हैं, उनसे ज्यादा एनर्जी खुद गेन कर लेते हैं और उड़ जाते हैं। बट बॉइलिंग में ऐसा नहीं है। बॉइलिंग एक बल्क फ्लूइड फिनोमेना है। इसमें जरूरी नहीं है कि सरफेस के ही मॉलिक्यूल्स हो, कहीं के भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनने ज्यादा जल्दी एनर्जी गेन कर ली कोहेसिव फोर्सेस से ज्यादा, वो उठ जाएंगे। ये अनस्टेबल हो जाते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, और स्पॉन्टेनियसली इनके वेपर बन जाते हैं, एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के वेपर बन जाते हैं। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये सरफेस का ही फिनोमेना हो। जैसे आप देखते हैं जब कोई चीज उबलती है तो सबसे पहले जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा गर्म हुए, उनने ज्यादा एनर्जी गेन की है, तो वो सारे एक साथ ऊपर की तरफ आते हैं, तो चीज हमें उबलते हुए दिखती है। सरफेस टेंशन, किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी होती है कम स्पेस ऑक्यूपाई करने की, ठीक है? तो इट्स टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेसेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम, मिनिमम से मिनिमम स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहता है एक लिक्विड मॉलिक्यूल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स की आपस में कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होती हैं, आपस में अट्रैक्शन ज्यादा होती है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एज कंपेयर टू कि उनकी एयर के साथ अट्रैक्शन हो, उनकी एयर के साथ कम अट्रैक्शन होती है और आपस में ज्यादा होती है, इसलिए वो इतना श्रिंक हो जाते हैं, इतना श्रिंक हो जाते हैं कि उससे कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि उनमें कोहेशन ज्यादा है और एडहेशन कम है। जो भी लिक्विड
कंटेनर की शेप ले लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी उनको नीचे अपनी तरफ पुल करती है। अगर आप ग्लास में कोई लिक्विड रख रहे हो, आप सोचोगे कि जब मैंने उसको प्लेट में डाला तो वो ग्लास की ही शेप में क्यों नहीं रहा, वो प्लेट की शेप का क्यों हो गया वो? बिल्कुल, क्योंकि तो ग्रेविटी ने अपनी तरफ पुल किया था भाई, इसलिए ऐसा हुआ। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन लाइफ, पानी की क्या जरूरत है हमारी जिंदगियों में? पानी इस धरती पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। जितनी भी लाइफ है वो सब पानी के ऊपर ही सस्टेन कर रही है। धरती के 2/3 हिस्से में पानी है। पानी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कि स्ट्रीम्स, ओशन, लेक सब में मौजूद है। ज्यादातर जो पानी है वो सैलिन पानी है, यानी नमकीन पानी, एक खारा पानी है जो कि ड्रिंकिंग के लिए भी फिट नहीं है। खून में 90% पानी होता है और पूरे बाकी पूरे शरीर में 75% जो है वो पानी होता है। और जो पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ हो, साफ सुथरा पानी ड्रिंकिंग के लिए सेफ, उसको बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो सब पानी पे ही सरवाइव करते हैं। अगर धरती पे पानी नहीं होता तो धरती पे लाइफ भी नहीं होती। पानी की कमी क्यों है? जब 3 में से 2 हिस्सों में धरती के पानी पानी है, इतने सारे ओशंस हैं, इतने सारे लैक, इतना कुछ है, तो फिर ये पानी की कमी है क्यों? उसको समझने की कोशिश करते हैं। धरती पर टोटल में जितना भी पानी है उसका 3% से भी कम फ्रेश वाटर है जो कि पिया जा सकता है या यूज किया जा सकता है इंसानों के द्वारा। नहाया, कपड़े धोए, सब मशीनरीज में, हर जगह पे इरिगेशन में जो पानी यूज हो सकता है वो सारा फ्रेश वाटर होता है, जो रिवर्स और लेक्स वगैरह में होता है बारिश का पानी, ये सब जो है वो less than 3% है। बाकी जो पानी है वो सारा खारा पानी है। और US जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग जो इस 3% में से भी ना ज्यादातर पानी इनएक्सेसिबल है, यानी हमें मिल नहीं सकता। जैसे इस 3% में से 68% पानी जो है वो आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में है। जस्ट ओवर 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है, बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड में है। अबाउट 0.3% जो है ना फ्रेश वाटर वही है फ्रेश वाटर की लेक्स में या रिवर्स में या स्वैम्प्स में। ठीक है, यही पानी हमें अवेलेबल है, इतना सा 0.3%। जितना भी पानी है धरती पे उसमें 99% जो पानी है वो इंसान यूज नहीं कर सकते और बहुत कई सारे और ऑर्गेनिज्म भी उसको यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। आप हैरान हो जाएंगे जानकर जो पानी धरती पे मिट्टी पे जमीन पे रहने वाले जानवरों को, पानी में रहने वाले जानवरों को, पूरी पूरी जो लाइफ है उसको सपोर्ट कर रहा है, वही उसी की कमी हो गई धरती पे। पानी की कमी हो गई तो दैट मीन्स हमें पानी को भी बचाना चाहिए। ठीक है, क्यों बचाना चाहिए भाई? क्योंकि फ्रेश वाटर के बिना जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सब मर जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। अगर उन्हें फ्रेश वाटर ना मिला, पीने के लिए पानी ना मिले, तो जिया नहीं जा सकता, लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती। पानी बचाने से हम एनर्जी भी बचा सकते हैं। वो कैसे? कि इतनी बड़ी बड़ी जो मोटर्स लगी होती हैं पानी को पंप करने के लिए हमारे घरों में, पानी के बड़े बड़े होज से, और हम अपने घरों में भी पानी सेकेंड फ्लोर में, थर्ड फ्लोर में चढ़ाने के लिए वहां भी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं। अगर हम सब लोग डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पानी भी सेव कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी भी अच्छे से यूज करते हैं, पानी को वेस्ट नहीं करते, तो बहुत सारी एनर्जी हम बचा सकते हैं। नेचुरल जो इकोसिस्टम है और आगे ज्यादा डैमेज ना हो जाए, जो इनडेंजर्ड स्पीशीज है टोटली एक्सटिंक्ट ना हो जाए, इसलिए भी हमने पानी को बचाना चाहिए। कंजर्विंग वाटर हेल्प अस बाय सप्लाइंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर लॉन्गर यूजेज।
थोड़ी और देर तक पानी चले, थोड़ा और आगे लॉन्गर यूजेज तक पानी चले। ऐसा नहीं हो कि इसी साल खत्म हो जाए, जो 1 साल में खत्म होना है कम से कम 2 साल चले, जो 10 साल में खत्म होना है वो कम से कम 15 साल चले। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम पानी का इतना जुडिशियल यूज करें, बिल्कुल भी वेस्ट ना करें पानी को, ताकि ये थोड़ी और देर तक चले, लॉन्गर यूजेज तक पानी की सप्लाई सब लोगों को मिलती रहे। सब लोगों को मतलब सब लोगों को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें मिलती रहे और बाकियों को ना मिलती रहे। इट हैज बिकम नेसेसरी इन ऑल एरियाज, पानी की कंजर्वेशन हर एरिया में नेसेसरी हो चुकी है, बिकॉज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अब वो भी कम हो रहे हैं। नेचुरल रिसोर्स, रिवर्स का पानी सूख रहा है, बहुत छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स थे वो काफी बहुत सारे सूख ही चुके हैं ऑलरेडी, और तो और पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, तो पानी की नीड इतनी ज्यादा है एक तरफ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े तो आप सोचेंगे कि पानी पीने के लिए ज्यादा चाहिए, नहीं, इरिगेशन एग्रीकल्चर की नीड्स भी बढ़ रही हैं, वहां पे भी पानी की ज्यादा नीड बढ़ रही है, तो हर तरफ नीड ही नीड बढ़ रही है। पर अगर हमने इसको बचाया नहीं तो फ्यूचर जनरेशन में पानी बचेगा भी नहीं किसी के लिए। फ्यूचर जनरेशन क्या, जो प्रेजेंट जनरेशन है, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन इन स्टेट्स में तो अभी भी पानी की कमी चल रही है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं पानी को बचाने के लिए, क्या कर रही है गवर्नमेंट कि सब लोगों को पानी की सप्लाई भी मिल सके, साफ सुथरा भी पानी मिले, क्या क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहला नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, इसका एम था टू प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, सबको एडिक्वेट वाटर सप्लाई करना बराबर जितना चाहिए, और सबको इनकरेज करना सस्टेनेबल यूज ऑफ वाटर, सही तरह से पानी का यूज कीजिए, और पानी की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उनको मीट करना, और सबके लिए पानी हर हालत में हर टाइम्स में अवेलेबल रखना, इस मिशन से ये इनिशिएटिव लिया गया था। दूसरा है शिकायत निर्वाण केंद्र, इसमें लोग अपनी शिकायत रख सकते थे कोई भी, ये एक किस्म का रिड्रेसल सिस्टम है, गुड गवर्नेंस का इनिशिएटिव है ये, कि लोगों को कोई दिक्कत आ रही है पानी से रिलेटेड, कोई कुछ हो रहा है, किसी को पानी ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत सुनी जाएगी। नेशनल वाटर पॉलिसी 2012, इसका एम ये था कि जो साइंटिफिक इनपुट्स को यूज करके से बनाई जाए कि सॉइल को, लैंड को, एनर्जी को और वाटर को इस तरह मैनेज किया जाए ताकि कम पानी की जरूरत पड़े। इन चीजों इंप्रूविंग द सॉइल एंड वाटर प्रोडक्टिविटी, सॉइल और वाटर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, और नेशनल वाटर मिशन, इसका एम था पानी को बचाना और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, सबको इक्वल यानी इक्विट जितना पानी जिनको चाहिए उनको वो पानी प्रोवाइड करना, ये इसका मिशन था। इंडिया वाटर वीक, फोर्थ इंडिया वाटर वीक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2016 में बनाया गया था, और इसमें दुनिया भर के बड़े बड़े डिसीजन मेकर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स आए थे, जो कि इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो वाटर रिसोर्सेज के फील्ड में काफी रिसर्च कर चुके हैं, और वाटर फॉर ऑल स्ट्राइविंग टुगेदर। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि पानी कितने परसेंट है या कितने परसेंट नहीं है, क्वेश्चन पॉलिसी से रिलेटेड आ सकता है, आपको क्वेश्चन ये आ सकता है, ये मैंने 2016 का दिया इंडिया वाटर वीक की जानबूझ के दिया है मैंने, आपको 18 और 19 का वाटर वीक का थीम बताना है, और आपको ये बताना है कि फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट किया गया था ये इंडिया वाटर वीक, और ये आपने कमेंट बॉक्स में बता देना है जिस दिन आप इस वीडियो को देखें उसी दिन। धन्यवाद।